पूर्व के साथ साथ पूरे बिहार में हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से लॉकडाउन लगाया गया, परंतु यह अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई। हर रोज मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। इसी बीच महाविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया चालू करने के वजह से महाविद्यालय में भारी भीड़ जुट रही है। कर्मचारियों का कहना है कि हम मजबूर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना असंभव है, कारण यहां के नामांकन के समय सीमा कम है, बच्चे ज्यादा हैं। देश के भविष्य नौजवान छात्रों से ही है, इनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले कम समय निकाला जाता है, बच्चे पूरे दिन लाइन में खड़े होते हैं, फिर अचानक तारीख आगे चला जाता है, जिससे दूर गांव से आने वाले बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें आरा महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय का है, जहां आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा है। ऐसे में छात्रों का जीवन किसी खतरे से कम नहीं है। अभी तक वेरीफाई कराने के लिए इतना पीछे लाइन में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग कोरोना से डर नहीं लगता है? लगता है, मगर क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन तो नहीं है। आज लास्ट डेट है। आज लास्ट डेट है? यस सर। कितने दिनों के लिए समय दिया गया था आप लोग के नामांकन? ओनली 5 डेज। 5 डेज? यस सर। आप लोगों ने अप्लाई कर दिया? नो सर, अभी तो वेरीफाइंग के लिए लगे हुए। जब वेरीफाई किया तो उसके बाद इसमें कौन दोषी आप पर उठ जाइए, अभी बताइएगा क्या कौन जिम्मेदार है इस तरीके का जो सिस्टम है। आप लोग यहाँ कॉलेज में आई हुई हो और इस तरीके का जो भीड़ है, बात सब देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से समझाया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बेस्ट ऑप्शन यही था कि ऑनलाइन कर देना चाहिए था, जो कि सारी मतलब सम कुछ कॉलेजेस में हो रहे हैं, बट इस कॉलेज का कोई लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो मतलब बेस्ट ऑप्शन यही था कि ऑनलाइन हो सकता, लेकिन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ इतना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? ठीक है। स्थिति बहुत गंदा है यहाँ पर, बहुत आज ही पता चला कि यहाँ पे ऑफलाइन हो रहा है। इससे पहले मतलब पता चल रहा था कि यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है, और आज पता चला कि अचानक से ऑफलाइन होने लगा, और आज ही फॉर्म मिल रहा है, और आज ही यहाँ ये बताइए, कॉलेज प्रशासन की तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? यानी ये तो कहा जा सकता है कि छात्र छात्राओं को भविष्य के साथ जान माल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो ये तो ऐसे भी जो जन्माष्टमी का कल था, तो कल भी परसों इससे लगातार भीड़ देखने को मिला, तो ऐसे में तो बहुत बड़ा रिस्क लेकर आप लोग यहाँ पर नामांकन कराने पहुँच रहे हैं। बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, जब हम लोग का भी तो मजबूरी है, अगर नहीं कराएंगे डेट फेल हो जाएगा, फिर तो एक साल गया हम लोग का। यानी किसे दोषी मानते हैं कि इस तरीके का नियम निकाल दिया? ये दोषी कॉलेज प्रशासन का है। अभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन की बात किया जा रहा था, तो क्या हुआ ऑनलाइन ऑफलाइन की? ऑनलाइन और सब कॉलेज में ऑनलाइन हो रहा है, जैसे जैन महाराजा ये सब ऑनलाइन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ का कॉलेज प्रशासन ठीक है, बट यहाँ का ऑनलाइन यहाँ पे होने वाला था, लेकिन फिर से ऑनलाइन आज से ऑफलाइन स्टार्ट हो गया। एडमिशन कराने आए हैं? हाँ, हम एडमिशन कराने आए हैं अपने सिस्टर का, और उसको चाहिए। इंटरमीडिएट का एडमिशन हो रहा है ना सर? इंटरमीडिएट का। चलिए, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? गीदा से आए हैं, तो काफ़ी दूर दूर से लोग आ जाए होंगे। बहुत बहुत। क्या लगता है कि एडमिशन आज हो जाएगा?